आ जाओ, रुको, कुछ नहीं है, साइड ही करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है 9:15 और गाइस मैं जिम जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। कल तो जिम की छुट्टी थी क्योंकि रक्षाबंधन था, पर आज है रक्षाबंधन। कल तो वो कुछ दोस्त चल रहा था, उसके कारण कल रक्षाबंधन नहीं बनाया गया। वैसे था तो कल रक्षाबंधन, पर वो दोस्त के कारण कल नहीं बनाया गया, आज रक्षाबंधन मेन मतलब मेन अब हो गया है आज। तो गाइस आज राखी बंधवाएंगे, पर पहले मेरे को लग रहा था कि सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का मुहूर्त है, पर पूरे दिन का मूड रहता है आज, तो पूरे दिन में कभी भी बंधवा सकते हैं। तो मम्मी भी अपने भाइयों को राखी बांधना जाएंगी और मैं भी राखी बंधवाऊंगा। तो चलो गाइस अपन लोग जिम चलते हैं, अपनी एक राखी तो है ही कल वाली, कुछ भी लगना चाहिए ना अपने हाथ में, हाथ में एक तो है। उसका कुछ क्यों बोलते रहते हैं? क्या मुहूर्त कल था, आज दिन भर बांध सकते हैं, तो यही तो बोला। तो कह रहे थे आज मुहूर्त, हमने कहा मतलब आज मुहूर्त था, हमें लग रहा था कि सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक का है, पर आज दिन भर बांध सकते हैं। 7 बजे तक अब जो भी हो राखी तो बांध सकते हैं आज पूरे दिन। बस पूना पर को नहीं पता, यूट्यूब पर देख लेना, बहुत सी वीडियो डाली होंगी। तो गाइस मैं जिम से होकर आ चुका हूँ और गाइस मैं मस्त अपनी स्प्राउट्स भी ले आया हूँ। और पता है गाइस आज तो जिम में ज़्यादा कोई था ही नहीं, गिनती की 4 भैया लोग थे और वो लोग भी चले गए, तो फिर हम 2 भैया लोग बस बचे थे। तो मस्त मस्ती करी आराम से, जब पूरा जिम हम लोग का था और जय भैया थे जिनका जिम है। और गाइस पता है हमारे लिए सर्दी रहती है और वहाँ जिम जाके करते हैं ना, तो मेरी सर्दी ठीक हो जाती है और फिर मतलब फिर बाद में हो जाती है फिर से, पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, अपन एक्सरसाइज करते तो अपनी बॉडी पूरी गर्म हो जाती है तो अपनी सर्दी ठीक हो जाती है मस्त। तो गाइस अब जल्दी से स्प्राउट्स खाते हैं, बनाना शेक तो अपन पियेंगे नहीं, प्रोटीन पाउडर डाल के, कल भी नहीं पिया था आज भी नहीं पियेंगे क्योंकि अपन को सर्दी है इसलिए। और मेरे पनीर भी नहीं है देखो, क्योंकि कल रक्षाबंधन था मतलब आज भी है, तो कल सबके यहाँ अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनी है तो सबने पनीर ले लिया, पूरा ख़त्म हो गया। तो अब उनके यहाँ आने वाला था, फिर हमने कहा इतना कौन वेट करे, हम आ गए अब ऐसे ही खाते हैं गाइस। तो गाइस मैंने आप लोग से बोला था कि आज हम लोग अच्छा रक्षाबंधन बनाएंगे, तो गाइस भैया अभी मस्त रेडी हो चुका है, डिंग 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 डिंग, और ये लड़की भी रेडी हो चुकी है, और ये राखी देखो ये रुद्र को बांधेगी, और गाइस मैं भी रेडी हो चुका हूँ मस्त। हाँ देखो इसने भी अपने हाथ में खुद बांध ली, मम्मा ने बांध ली है। और गाइस दादी कुछ काम के लिए बोले, क्या हो गया? क्या नारियल इतनी धूप में? अब जा रहे, रुक जा, जा तो रहे, चाबी तो ले रहे हैं, चाबी के बिना मतलब पैदल थोड़ा ना जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। ए जब तक मैं नहीं आ रहा राखी मत बनवाना, ही समझ। अच्छे बैठो भैया, भैया माना भैया मेरे, अभी छोटी बहना को ना बुलाना, बड़ी बहना को। तो गाइस घर आ चुके हैं दादी का नारियल लेकर, और उनको चाहिए था पानी वाला नारियल, मैं उनके लिए ले आया सूखा वाला नारियल। उन्होंने बताया नहीं था कि उनको कौन सा नारियल चाहिए, वैसे भी उनको खाने के लिए चाहिए तो दोनों खाने वाले हैं, ये वाला खा लेगी। और दीदी ने भैया को राखी बांध दी और दादी से वीडियो बनवाई, तो दादी ने अजीब टाइप की वीडियो बनाई, हमने इस लड़की से बोला था कि जब तक हम नहीं आएंगे राखी मत बंधवाना, पर भैया ने बंधवा ली, हम कह रहे थे हमने बांध दी, अब मेरी राखी बनेगी, मेरी वीडियो बनेगी। तो गाइस भैया वीडियो बना रहा और मैं बनवाऊंगा राखी। नहीं कॉपीराइट आ जाएगी, आरती उतारो हर कॉपीराइट कॉपीराइट।
गाय मर कॉपीराइट कॉपीराइट बंद कर दे बंद कर डायमंड केक हाँ डायमंड से खरीदा है। ये है हमारा कैमरामैन और ये है हमारी बहन। ये देखो गाइस नकली कर रही है। ये भैया का भी आरती हो चुकी है, ये राखी भी बन चुकी है, ये देख सकते हैं गाइस। और मिठाई वो तो खाली। हाँ लो मिठाई हमें देखो। ऐसे ही जाएंगे हम कहीं भी जाएंगे ऐसे जाएंगे हम ऐसे ही चलेंगे भैया। आप ऐसे डाल लेना अपने सर पे। हाँ, लोगों को लगना चाहिए ना कि हाँ राखी बंधी है तो अपन ऐसे ही घूमेंगे है ना अम्मा। ऐसे ही घूमेंगे हम पूरे में। हाँ, अब चलते हैं दूसरी जगह पे क्योंकि मम्मा को भी तो राखी बांधनी है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मम्मा के भाइयों के घर। चलो चलते हैं। और अभी बिट्टू या छुटकू को तो बंधी नहीं है ना। आज तो पैसे ही पैसे होने वाले हैं दीदी के पास। गाय दीदी के लिए दो चीज़ों में अच्छे पैसे मिल जाते हैं, एक तो बर्थडे और दूसरा रक्षाबंधन। हाँ और एक और बोलते ना भाई दोज, तीसरा भाई दोज। भाई लड़कियों के तो मज़े ही मज़े हैं यार, अपन को तो सिर्फ बर्थडे पे मिलते हैं और लड़कियों को तो पैसे ही पैसे मिलते हैं। तो चलो चलते हैं, वही बर्थडे के मेरे पैसे रखे थे तो मैंने दे दिए दीदी को। तो चलो चलते हैं, मम्मी जल्दी आओ। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं विक्टोरिया के यहाँ, क्योंकि दीदी राखी बांधेगी ना और हम अंदर से लोग इसलिए स्टार्ट नहीं करें क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जनता है तो बहुत आवाज़ होगी, मतलब सारी मौसी हैं मम्मी हैं और बहनें हैं इसलिए। तो गाइस यहाँ से हमने ब्लॉग चालू करा। और गाइस मेरे को सर्दी हो गई है तो बहुत दिक्कत हो रही है, रुमाल में मेरे को मम्मी से मंगाना पड़ेगा, रुमाल के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सर्दी है ना, नाक बह रही है तो जल्दी से जाके मम्मी से रुमाल मंगाते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे बिट्टू भैया को राखी बनेगी, सब तैयारी हो चुकी है। छुटकू कहाँ है? छुटकू कहाँ है? छुटकू आ रहा है। आ जाओ जल्दी। और अनय को भी बनेगी। अरे ब्लॉग तो बना ले। अरे दूल्हा राजा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार पहले फोटो खींचेगी, अब फोटो खिंच जाने तो फिर बाद में दिखाएंगे। देखो ये फोटो खींचने में लगे हैं दूल्हे साहब। हाँ हाँ हमारी फोटो खींचा को। अच्छा ये तुम्हारी फेवरेट हो स्पेशली आई है छुटकू के लिए, कौन सी है ये? रसमलाई चमचम। और आपकी कहाँ है? मैं तो ऐसे ही काजू कतरी नॉर्मल। अच्छा ये नॉर्मल है। अरे तुम्हारी ये ब्यूटीफुल रुमाल है। अरे 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 क्या है? भूमि ने दी है। हाँ ये भूमि का है। अरे शिवाय लड़की वाला ये किसका रुमाल है? भूमि। अच्छा कौन सी मिठाई खाएगी? अंडी काजू कतली खाना रसगुल्ले लिया सारे वाले। बन गई बिट्टू बन गई, हर्षू बन गई, ये सब बच्चों की बन गई है। भाभी आपकी बन गई, भाभी आपकी बन गई नहीं अब हम बांध रहे हैं ना। निवी की राखी परी दीदी बांध रही है हर्षू को है ना। अपनी भी बांध रही है। हाँ अपनी भी। हाँ अपनी भी बांध रही है और परी इसकी भी बांध रही है ना परी। एक और रुमाल आ गया।
बांधी राखी भैया को बांधी। अभी तो सो के उठी हो। अब मम्मा बांध रही है भाभी राखी है ना। भाभी जी नाइस। क्यों अनवी अनवी वाह क्या बात है। बहुत अच्छे। वाह 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 क्या बात है। ऐसी रहती भाभी राखी। ये भी बांध रहे हो एक और बांध दे रहे जिससे आंटी लटकती रहती है ना तो उसमें वो टूटने का रहता है। अच्छा खिला दी उसने मिठाई। हाँ खाली। अरे मामी की गिराई थी आपने मिठाई ऐसी कैसी खिलाई। कंगन दे दो बिंदी दे दो सिंगार दे दो। गिफ्ट हाय राम।